So guys, अगर आपको भी लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरो मूवीज ही एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स शेयर कर सकती हैं, तो यकीन मानिए आपको पूरा सच जानने की जरूरत है, क्योंकि हॉलीवुड में कई सारी मूवीज और सिनेमैटिक फ्रेंचाइजीज रही हैं जो हमारे आंख के सामने ही किसी और मूवी या सिनेमैटिक फ्रेंचाइज से जुड़े होने का हिंट दे चुकी हैं, जहां पर आपको इसके बारे में पता भी नहीं चला होगा। जिनमें से कुछ तो डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं जिन्हें ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, वहीं पर कुछ ईस्टर एग्स और फैन थ्योरीज के रूप में हैं, जिन्हें ऑफ कोर्स क्यूरियस फैंस ने ढूंढ निकाला है। और इन्हीं मूवीज के कनेक्शन इतने ज्यादा एब्सर्ड और माइंड ब्लोइंग है कि बस पूछिए मत। इसीलिए अगर आप इस वीडियो में अंत तक रुकेंगे तो आपको पता चलेगा डिज्नी के अपने एनिमेटेड यूनिवर्स के बारे में, ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो के कनेक्शन के बारे में, फास्ट एंड फ्यूरियस के हान के ओरिजिन मूवी के बारे में और क्विंटिन टेरेंटिनो के अपने टेरेंटिनो वर्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आगे आपका वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। बस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, स्पाइडरमैन 2 एंड द पनिशर। जी हां गाइस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले भी मार्वल मूवीज का एक सीक्रेट क्रॉसओवर हो चुका है, जहां पर 2004 में सोनी द्वारा आई स्पाइडरमैन 2 में 2004 की ही पनिशर मूवी का प्रोटैगनिस्ट फ्रैंक कार्सल दिखा, जिसे थॉमस जेन ने प्ले किया था। बेसिकली जब क्लाइमैक्स के सीन में मैरी जेन वॉटसन पीटर की तरफ भागती है तो वो गार्डन में एक आदमी के पास से गुजरती है और वो और कोई नहीं थॉमस जेन का फ्रैंक कार्सल, ऑल्सो नोन एज द पनिशर होता है। और इस लिंक को पूरी तरह से कंफर्म किया गया स्पाइडरमैन के डीवीडी रिलीज में, जहां पर ये बताया गया कि वो स्पाइडरमैन फैंस के लिए मार्वल का एक छोटा सा हिंट डालना चाहते थे और ऑब्वियसली लीगल इश्यूज के चलते वो ऑफिशियली उसे पनिशर नहीं कह सकते थे, इसीलिए एक छोटे से कैमियो से ही काम चलाना पड़ा। नंबर 9, जॉज एंड पिराना 3D। भले ही इन दोनों मूवीज में दशकों का अंतर हो, पर एक कनेक्शन है जो इन दोनों मूवीज को एक साथ जोड़ता है और दोनों को लगभग सेम ही यूनिवर्स का हिस्सा बनाता है, और वो है रिचर्ड ड्रेफस का कैरेक्टर मैट, जहां पर हमें एक बार फिर से रिचर्ड ड्रेफस मैट के रूप में पिराना 3D मूवी में वही काम करते नजर आए जो वो जॉज में कर रहे थे। बस इस बार वो थोड़े ओल्डर थे और उनका नाम मैट हूपर के बजाय मैट बॉयड है, जो समझाता है कि यहाँ पर ऑब्वियस लीगल इशू का पंगा था, पर फिर भी फैंस के लिए छोटा सा ईस्टर एग भी इन दोनों मूवीज के कनेक्शन को जोड़ने के लिए काफी था। नंबर 8, कैस्पर एंड घोस्ट बस्टर। अरे भाई, जब आप एडवर्टाइज इसी तरह से करेंगे कि अगर आपको कोई भूत दिखे तो हमें बुलाइए, तो कोई बुलाएगा क्यों नहीं। इसीलिए 1995 के कैस्पर मूवी में कैस्पर नाम के भूत के इविल अंकल से विपस्टाफ मैनर को खाली करवाने के लिए घोस्ट बस्टर को बुलाया जाता है, और इस मूवी में हमें घोस्ट बस्टर के रूप में रे सैंटेज भी दिखे, जिनकी हालत कैस्पर के चचा लोगों ने पतली कर दी थी। अब ये एविडेंस काफी है इस बात को साबित करने के लिए कि घोस्ट बस्टर और कैस्पर एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। नंबर 7, हांस ओरिजिन मूवी। मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में सुंग कांग का कैरेक्टर हान काफी ज्यादा कूल और बैडास लगता है। अनफॉर्चुनेटली हान की ओरिजिन के बारे में फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में बहुत ही कम जानकारी दी गई है। ऊपर से वो एक बार मर चुका है और अब फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में फिर जिंदा हो चुका है। लेकिन इन सब क्रेजीनेस के अलावा भी हान की ओरिजिन को एक और मूवी से जोड़ा जाता है, जो कि है 2002 की बेटर लक टुमारो, जिसमें सुंग कांग पहले ही हान के रूप में दिख चुके हैं और इस मूवी को डायरेक्ट भी किया था फास्ट एंड फ्यूरियस के प्रोमिनेंट डायरेक्टर जस्टिन लिन ने, जो बेसिकली एक कहानी है कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में फंस जाते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर जस्टिन लिन ने इस बात को खुद थियोराइज किया है कि इस मूवी में हान छोटे मोटे क्राइम करते करते डोमिनिक टोरेटो से मिलता है और उसका दोस्त बन जाता है। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6, एलियन फ्रेंचाइजी एंड ब्लेड रनर फ्रेंचाइजी। आप ये तो जानते ही होंगे कि एलियन और प्रेडेटर्स सेम फ्रेंचाइजी में आते हैं, पर क्या 1982 की ब्लेड रनर भी इस मूवी फ्रेंचाइजी का हिस्सा है? वेल, कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से ऐसा हो सकता है, जहां पर हमें एलियन फ्रेंचाइजी की प्रीक्वल मूवी पैरामेथस में वेलेंट कॉर्पोरेशन का मालिक पीटर वेलेंट अपने एक मेंटर के बारे में बताता है, जो बेसिकली आर्टिफिशियल रोबोट्स को बनाता था और उनमें मेमोरीज इंस्टॉल करता था। वेल, ये बहुत हद तक ब्लेड रनर मूवी में जो टर्कल के कैरेक्टर एल्डन टायरल का फैन थ्योरीज के हिसाब से इंडिकेशन हो सकता है, जो बेसिकली ब्लेड रनर मूवी में रेप्लिकेंट्स नाम के आर्टिफिशियली बायो इंजीनियर्ड बींग्स को बनाता है, जो बेसिकली लगभग इंसानों जैसे ही होते हैं। नंबर 5, निंजा टर्टल्स और डेयर डेविल। हाँ, मुझे मालूम है कि आप यही कहेंगे कि दोनों के दोनों सेम कॉमिक बुक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूँ, पर टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के क्रिएटर केविन ईस्टमैन और पीटर लैरिड मार्वल के डेयर डेविल कैरेक्टर के बहुत बड़े वाले फैन थे,
यही कारण है कि वो अपने कैरेक्टर्स की कहानी को डेयर डेविल के काफी करीब रखना चाहते थे, जहां पर डेयर डेविल की ओरिजिन के हिसाब से जिस ट्रक के केमिकल से डेयर डेविल अंधा हो जाता है, उसी ट्रक के केमिकल्स निंजा टर्टल के म्यूटेशन के जिम्मेदार होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इन कैरेक्टर्स को स्पूफ और कॉमेडिक वे से बनाया गया था, जिसके कारण कहीं भी डेयर डेविल का नाम नहीं लिया गया है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि डेयर डेविल एक हिसाब से निंजा टर्टल्स के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और अगर डेयर डेविल एग्जिस्ट करता है तो पूरा मार्वल यूनिवर्स करता होगा। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। नंबर 4, डिज्नी प्रिंसेस वर्स। वैसे तो डिज्नी कभी अपनी मूवीज को खुलकर कनेक्टेड नहीं दिखाता, पर फिर भी डिज्नी अपने मूवीज के ईस्टर एग्स और हिंट मूवीज में छुपाता रहता है, जिसे वर्ल्ड वाइड फैन ढूंढी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2013 की मूवी फ्रोजन को ही ले लीजिए, जहां पर हमें एल्सा के क्राउन सेरेमनी की भीड़ में साफ साफ रपुंजल और फ्रिन राइडर दिखते हैं। वहीं पर हमें कुछ देर बाद द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग की प्रिंसेस टियाना भी दिखती है, जो ऑब्वियसली बात क्लियर कर देता है कि इन मूवीज के बीच में कनेक्शन है। नंबर 3, ईटी एंड स्टार वॉर्स। ये सब कुछ शुरू हुआ जॉर्ज लुकस और स्टीवन स्पीलबर्ग की दोस्ती से, जहां पर हमें 1982 की हिट मूवी ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में स्टीवन स्पीलबर्ग के स्टार वॉर्स का रेफरेंस भी देखने को मिला, जहां पर एक बच्चा हेलोवीन में योडा की तरह ड्रेसअप होकर दिखता है। वहीं पर जॉर्ज लुकस ने स्टीवन स्पीलबर्ग का फेवर उतारा स्टार वॉर्स एपिसोड 1 द फैंटम मेनेस में, जहां पर उन्होंने ईटी के एसोजियन रेस को गैलेक्टिक एम्पायर का हिस्सा दिखाया। नंबर 2, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जीआई जो। यकीन मानिए गाइस, इन दोनों फ्रेंचाइजी का एक क्रॉसओवर मूवी आने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये दोनों की दोनों फ्रेंचाइजी हैसब्रो के अंदर आती हैं, जहां पर हैसब्रो ने मूवी डायरेक्टर डीजे कारूसो को जीआई जो 3 मूवी बनाने का जिम्मा सौंपा था। वहीं पर डीजे कारूसो कुछ बड़ा करना चाहते थे, और वो बेसिकली जीआई जो और ट्रांसफॉर्मर्स का एक क्रॉसओवर करवाना चाहते थे। यहां तक कि कुछ सोर्सेस के हिसाब से एक्टर ड्वेन जॉनसन, जिन्होंने जीआई जो सीरीज में रोड ब्लॉक का कैरेक्टर प्ले किया है, उनसे तीसरे मूवी के लिए बात भी चल रही थी। पर जब हैसब्रो ने इस प्रोजेक्ट में देरी करना शुरू कर दिया, तब डीजे कारूसो ने XXX रिटर्न ऑफ द जेंडर केज मूवी को बनाना शुरू कर दिया, और वो उसमें बिजी हो गए, और हमें ये मूवी आज तक देखने को नहीं मिली। भले ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन दोनों का अब तक क्रॉसओवर नहीं हुआ हो, पर कॉमिक यूनिवर्स में इन दोनों का कई बार क्रॉसओवर हो चुका है, और अगर आप चाहें तो इनके एडवेंचर्स को आप वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1, टेरेंटिनो वर्स। हम सबको मालूम है कि क्विंटिन टेरेंटिनो की मूवीज प्रीटी मच स्टैंड अलोन और एक्सक्लूसिव होती हैं, पर शायद आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि उनकी मूवीज एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं, जहां पर इन मूवीज के इवेंट्स अलग अलग टाइम पीरियड पे हुए थे। वहीं पर कुछ कैरेक्टर्स का आपस में बहुत गहरा रिलेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल, पल्प फिक्शन मूवी में जॉन ट्रिवोल्टा का कैरेक्टर विंसेंट वेगा, रिजर्वर डॉग्स में माइकल मेडिसन के कैरेक्टर विक वेगा / मिस्टर ब्लॉन्ड का भाई है। इवन क्विंटिन टेरेंटिनो ने दोनों कैरेक्टर्स पर 2004 में एक स्पिन ऑफ मूवी लाने का भी सोचा था, पर ये नहीं हो पाया। वहीं पर किल बिल में हमें डिजेंगो अनचेन के कैरेक्टर डॉक्टर किंग स्कर्ल्स की वाइफ पाउला स्कर्ल्स का ग्रेव यानी की कब्र भी दिखाई गई है, जिस पर लिखी डेट जेंगो अनचेन की टाइमलाइन से काफी ज्यादा एक्यूरेट है। वहीं पर जब जेंगो अनचेन की बात चल रही है, तो पल्प फिक्शन के कैरेक्टर कैप्टन कून्स के खानदान का भी रेफरेंस मिला, जहां पर शायद उसके ग्रैंडफादर क्रेजी क्रैक कून्स उस समय वांटेड लिस्ट में हैं। भाई, मानना पड़ेगा क्विंटिन टेरेंटिनो को, कहानी लिखने में उनका कोई भी जवाब नहीं है। सो गाइस, ये थे टॉप 10 डिफरेंट मूवीज और फ्रेंचाइजीज जो एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स शेयर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। कमेंट करिए हमें अपने सवाल और सुझाव, साथ ही साथ अगर आपके पास कोई वीडियो टॉपिक सजेशन है तो उसे भी इंक्लूड करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैंने अगली वीडियो के टॉपिक के लिए ऊपर कुछ पोल दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनमें से किसी एक को वोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी आने वाली वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप इस वीडियो को किसी और को भी शेयर करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों और ग्रुप के बीच में इस वीडियो की लिंक को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें। अंत में हमारी ऐसी औसम कंटेंट और इससे जुड़े हुए न्यूज अपडेट्स और डेली फैक्ट्स को पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.